आज हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर ओवरहेड लाइन एस्टीमेशन। देखिए, आपके ओवरहेड लाइन जो है उसके लिए आपको उसके कंपोनेंट्स पढ़ना इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो एक बार आप लोग जो है कंपोनेंट्स को नोट से देख लीजिएगा, और कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा। अब ये जो टॉपिक है ये है रूल्स फॉर ओवरहेड एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड लाइंस, ठीक है। इसमें हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे, जैसे कि आपको क्वेश्चन अगर आता है एग्ज़ाम में कि ओवरहेड लाइन को एस्टिमेट करने के लिए उसमें तो उसको कैसे करना है, उसका प्रोसीजर क्या है, वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें क्या क्या हम लोग देखेंगे, ये है, इसमें आपके तीन स्टेप होते हैं। एक होता है प्राइमरी स्टेप, एक होता है सेकेंडरी स्टेप और फाइनल स्टेप, ठीक है। तो प्राइमरी स्टेप में आपका आता है कि टू फाइंड द टाइप ऑफ लाइन। इसका मतलब हमको ये पता करना है कि किस टाइप की लाइन है, हाई टेंशन लाइन है या लो टेंशन लाइन है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है ना दिया हो, तो सबसे पहली जो चीज़ इंफॉर्मेशन हमको मालूम करनी होगी कि हाई टेंशन लाइन है या लो टेंशन लाइन है, इस हिसाब से जो है आपका क्वेश्चन मॉडिफाई होगा। मतलब आगे जो चीज़ें आप करोगे कैलकुलेशन वगैरह वो इसी पे बेस होके मॉडिफाई होंगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है वो है अजम्पशन करना, मतलब कुछ चीज़ें जो हैं वो आपकी क्वेश्चन में सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो अजम्पशन लेके उसको कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। तो सॉरी, तो अजम्पशन में आपका क्या है कि अजम्पशन में आपको सारी जो डिटेल जो पेपर में नहीं दी गई है, जैसे किस तरीके का पोल है, या आपकी लाइन स्ट्रेट है या कर्व्ड है, तो हम स्ट्रेट लाइन ही अज्यूम करते हैं ज़्यादातर। या अगर आपकी लाइन जो है वो किसी रिवर को या टेलीफोन लाइन को क्रॉस कर रही है, तो दोनों तरफ किस तरीके के पोल होने चाहिए, यानी अगर किसी रिवर के साइड किसी को क्रॉस कर रही है तो उनके दोनों तरफ रिवर किस तरफ और उस तरफ किस टाइप का पोल होगा। तो जब भी किसी रिवर को क्रॉस करते हैं कोई लाइन, तो उसके दोनों तरफ एच टाइप के पोल होते हैं, ठीक है। आप लोग जब अपने नोट्स में देखेंगे टाइप्स ऑफ पोल और कंपोनेंट्स वगैरह, तो उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें अज्यूम की जाती है हमें कि किस तरीके का पोल है। और जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती वो सब, ठीक है। अब आते हैं आपके सेकेंडरी स्टेप में। सेकेंडरी स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं कि किस टाइप का है या कितने पोल्स होंगे, और फिर हम कैलकुलेट करते हैं लेंथ ऑफ फेज न्यूट्रल और अर्थ वायर आपके जो कि लाइन के लिए रिक्वायर्ड होंगे। उसके बाद हम जो है एक सिंगल लाइन डायग्राम प्रिपेयर करते हैं आपकी ओवरहेड लाइन का, ठीक है। तो तीन स्टेप होते हैं इसमें। पहले तो आप टाइप और नंबर ऑफ पोल्स करते हैं, ठीक है। फिर आप लेंथ, फेज, न्यूट्रल, अर्थ वायर कितने रिक्वायर्ड है वो यूज़ करते हैं, और फिर सिंगल लाइन। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपकी लो टेंशन लाइन है तो उसमें जो है आपका फेज, न्यूट्रल और अर्थ तीनों इस्तेमाल होगा, ठीक है। यानी आपका फेज, न्यूट्रल और अर्थ वायर, ये तीन चीज़ इस्तेमाल होगी आपके
लो टेंशन वाली लाइन के लिए, और अगर आपकी लाइन हाई टेंशन वाली है तो उसके लिए फेज और अर्थ होगी। ठीक है, लो टेंशन में क्या है कि सिंग सर्विस कनेक्शन के लिए आपको न्यूट्रल की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसलिए आपकी लो टेंशन में कौन कौन सी, फेज, न्यूट्रल और अर्थ, तीन तीन टाइप की लाइन इस्तेमाल, तीन टाइप की वायर इस्तेमाल होंगे, और हाई टेंशन में दो टाइप के, फेज और अर्थ। और सिंगल लाइन डायग्राम इसलिए बनाया जाता है कि अंडरस्टैंड करना कि किस तरह की लाइन है, कितने अर्थिंग हैं, कितने पोल हैं उसमें। ठीक है, तो इस चीज़ को आगे देखते हैं। ये देखिए, जैसे कि कैलकुलेशन ऑफ पोल है, तो आपकी जो लाइन होती है वो दो तरीके की होती है, या तो आप एक नई लाइन बिछा रहे हैं या एक पहले से कोई लाइन एग्जिस्ट कर रही है तो आप उसको उसी में जोड़ के आगे लाइन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अगर नई लाइन है तो इसमें आपकी दो तरीके की हो सकती हैं, ST या LT, यानी हाई टेंशन लाइन या लो टेंशन लाइन। अगर आपकी हाई टेंशन लाइन है तो इसमें जो आपके टर्मिनल पोल होंगे, आप टर्मिनल पोल क्या होते हैं, आपके टर्मिनल पोल वो होते हैं जो कि आपके दोनों एंड पे हों, स्टार्टिंग में और एंडिंग में, उसको कहते हैं टर्मिनल पोल, वो जो है एस टाइप होगा, और बाकी जो मिडिल या में है वो सब नॉर्मल पोल होंगे, यानी सिंगल पोल। ठीक है, तो ये चीज़ है। और अगर आपकी लाइन लो टेंशन है तो जो टर्मिनल और न्यूट्रल पोल होंगे, जो टर्मिनल पोल होंगे वो सब आपके नेचुरल ही होंगे और सिंगल पोल होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अगर आपकी लाइन एग्जिस्ट कर रही है तो उसमें क्या होगा, आपके टर्मिनल पोल्स जो होंगे वो किस टाइप के होंगे, एच टाइप के। एच टाइप के पोल्स आप लोग नोट्स में देखेंगे तो उसमें आप उस चीज़ को वो कर पाएंगे, समझ पाएंगे। अब चलिए हम सपोज करते हैं कि 1 किलोमीटर लंबी लाइन है, यानी 1000 मीटर लंबी ST लाइन है जो कि न्यू लाइन बिछाई जा रही है, और उसका स्पैन दिया है 100 मीटर। स्पैन क्या होगा, दो पोल के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं स्पैन। ठीक है, तो अब हम इसमें कितने पोल्स लगाने हैं वो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ लाइन, कर्सर को देखिएगा, लेंथ ऑफ लाइन डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्पैन। तो लेंथ ऑफ लाइन कितनी दे रखी है, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, और लेंथ ऑफ स्पैन कितना दे रखा है, 100 मीटर। तो आपके नंबर ऑफ पोल्स कितने हो जाएंगे, 1000 लेंथ ऑफ लाइन डिवाइड बाई 100 लेंथ ऑफ स्पैन, यानी 10 आपके स्पैन होंगे। अच्छा, अब देखिए कि क्या है कि आपका जब न्यू लाइन बिछाई जाती है तो कहीं से शुरुआत की जाती है। ठीक है, और ये लो टेंशन लाइन है तो एक एक्स्ट्रा पोल उस शुरुआत को करने के लिए ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर न्यू लाइन बिछ रही है आपकी तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 पोल्स हैं। एक पोल एक्स्ट्रा कहाँ से आया, एक पोल एक्स्ट्रा आया जब आपकी न्यू लाइन स्टार्ट हो रही है, तो उसको स्टार्ट करने के लिए आपको एक पोल एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आपको पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है कोई लाइन तो उसमें आपको खाली 10 पोल जोड़ने होंगे। ठीक है, तो ये हट जाएगा फिर, और उसी लाइन से जुड़ के ये आपके 10 पोल जुड़ जाएंगे। ठीक है, और अगर आपकी हाई टेंशन लाइन है, ठीक है, तो हाई टेंशन लाइन में क्या होगा कि आपके कई डबल पोल यूज़ होंगे टर्मिनल के लिए, तो आपके यहाँ पे एक और यहाँ पे एक बढ़ जाएगा, यानी दो पोल बढ़ जाएंगे, इसलिए टोटल नंबर ऑफ पोल क्या हो जाएगा आपका, 10 + 1 + 2। ये एक जो है आपका इनिशियली उसको वो करने के लिए इस्तेमाल हुआ था स्टार्ट करने के लिए, तो वो हो जाएंगे आपके 10 + 1 + 2 यानी 13। और अगर आपका एग्जिस्ट कर रहा था ऑलरेडी से यहाँ पे तो वो 11 ही रहेंगे, यानी 10 + 1 ही रहेगा,
ये हाई टेंशन लाइन के लिए। लो टेंशन लाइन के लिए क्या था आपका, 11 लगते थे अगर न्यू लाइन है, और उतने ही लगते थे, 10 ही लगते थे अगर ओल्ड लाइन है। ये 10 कैसे कैलकुलेट हुआ ये आपको समझ में आ गया होगा। कैसे, आपकी लेंथ ऑफ लाइन डिवाइड बाय लेंथ ऑफ स्पैन। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। अब जो हम अर्थिंग करते हैं, वो अर्थिंग हम अर्थिंग के लिए टर्मिनल पोल्स की अर्थिंग यानी पहले और आखिरी पोल की अर्थिंग ज़रूरी होती है। ठीक है, फर्स्ट और इलेवेंथ की अर्थिंग ज़रूरी होती है, और हम हर चौथे पोल को भी अर्थ कर सकते हैं या बीच में कहीं भी अर्थ कर सकते हैं, तो उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट एक रूल इम्पॉर्टेंट है कि आपको फर्स्ट लाइन को और लास्ट, फर्स्ट पोल को और लास्ट पोल को अर्थ करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। अब हम कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ वायर। अब पिछले एग्जांपल में देखें तो हमको कितनी लंबी लाइन दी थी, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर लंबी लाइन थी। तो एच टी लाइन, हाई टेंशन लाइन में हमने क्या पढ़ा था कि कौन कौन से होते हैं आपके, फेज, न्यूट्रल और अर्थ। ठीक है, तो वो नहीं सॉरी थ्री फेज लाइनें यानी 3 फेजेस के, एच टी लाइन में आपका फेज और अर्थ ही होता है। ठीक है, तो तीनों फेजेस के एक एक वायर होंगे, तो कुल मिला के कितने वायर होंगे, 3। 3 × 1000 इज इक्वल टू 3000। और 2% हम या 5% हम ऐड करते हैं, क्यों, क्योंकि जब गर्मी होती है तो आपका वायर एक्सपेंड करके उसकी लेंथ 2% या 5% बढ़ जाती है, तो उस चीज़ को जोड़ देते हैं लेंथ ऑफ फेज वायर में। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, मान लीजिए आपका 3000 है, तो उसका 5% लिया, कितना हो गया, 150। अब इस 150 को हम 3000 में जोड़ देंगे, तो टोटल लेंथ आएगी आपकी 3150। और अर्थिंग वायर को अलग से लेंगे, वो 3 फेज से अलग से, तो आपका कितना हो जाएगा, 1050। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3050 प्लस 1050 आपके अर्थिंग का जोड़ के। तो हाई टेंशन लाइन के लिए इतना टोटल आपका आ जाएगा। यानी क्या किया, फिर से देखें कि जितना लंबी आपकी लाइन है वो है, और कितने फेजेस हैं, 3 फेजेस। 3 फेजेस को निकाल लिया, उसमें आपका जोड़ दिया कितना सैग करेगा। सैग का मतलब कितना लटका हुआ होगा गर्मी की वजह से, एक्सपेंड करके कितनी उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक उसी तरह अर्थिंग में भी हमने मान लीजिए 5% जोड़ दिया, तो इस तरीके से कैलकुलेशन हुआ। अब फाइनल स्टेप हमारे जो है सॉल्व करने का, ओवरहेड लाइन के एस्टिमेट करने का जो फाइनल स्टेप है, वो है प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड इन ओवरहेड लाइन और उसका कॉस्ट। तो इसमें क्या करेंगे कि आपके जो कितने जो मटेरियल इस्तेमाल होंगे पोल में, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, जो आप नोट्स में पढ़ेंगे कंपोनेंट्स, तो उन सब को लेके आप एक डिटेल्ड लिस्ट बनाएंगे कि कितनी चीज़ कितने अमाउंट में चाहिए होगी, और फिर उसके कॉस्टिंग करने के लिए पर, पहले तो पर के हिसाब से निकालेंगे, फिर उसके बाद टोटल निकालेंगे। जैसे कि अगर 1 किलोमीटर लंबा पोल है, 1 मीटर 11 मीटर लंबा पोल है, तो 1 11 मीटर का पोल कितने रुपए का मिलता है, और फिर टोटल नंबर ऑफ पोल कितने हैं, वो कितने का मिलता है। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ एंड में उस मटेरियल लिस्ट का, उसको आप देख लीजिए। जैसे ये है, इसमें आपका दिया है पहले तो कितना पोल है उसका 11 मीटर, इसके साथ इंसुलेटर, इनकी टोटल नंबर इस्तेमाल कर दी गई, लिख दी गई, फिर पर यूनिट कितना होता है, और टोटल कितना हो जाएगा, 7 × 2600। इसी तरीके से बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ये जब आप नोट्स में देखेंगे अलग अलग आपके जो पोल्स हैं उसके कंपोनेंट्स हैं, तो उनसे आपको इन सब चीज़ की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि एक पोल के लिए कितना चाहिए होता है और एक लाइन के लिए कितना चाहिए होता है। तो इस हिसाब से आप लोग
उसकी लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। फिर इसमें कोई डाउट हो इस इन इन सब में तो आप जो है मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप कर दीजिए, मुझे मैसेज कर दीजिए, फिर मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए अभी इसको देखिए, और फिर आप जो है आप ये जो ओवरहेड लाइन है उसको पढ़िएगा, उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में ज़रूर से पढ़िएगा, और फिर इसको इस चीज़ को यूज़ करके जो न्यूमेरिकल आपको दिया गया है असाइनमेंट में उसको करिएगा, ठीक है। चलिए फिर अगला देखेंगे हम लोग।